प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उपयोगी है। ये प्रॉब्लम एसएससी की परीक्षा में 2005 में आ चुकी है। आज की हमारी प्रॉब्लम है यदि ए बराबर अंडर रूट 5 प्लस 1 बटे अंडर रूट 5 माइनस 1 तथा बी बराबर अंडर रूट 5 माइनस 1 बटे अंडर रूट 5 प्लस 1 हो तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इसका मान आपको बताना है। और आपको इसमें चार विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही विकल्प छांटना है। तो देखिए ऐसा है, प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाएगा ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जानकारी के आधार पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके मैंने दो प्रोसीजर लिखे हैं, दो मेथड लिखे हैं। किसी व्यक्ति के दिमाग में तो ये आएगा, किसी छात्र के दिमाग में ये आएगा कि जैसे मान लीजिए ये वाला व्यंजक है जिसका हम मान निकालना चाहते हैं, जो हमारे लिए व्यंजक दिया हुआ है वह व्यंजक है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक छात्र के मस्तिष्क में ये आया कि यदि यहाँ पर ए बी के स्थान पर 2ab हो जाए, अर्थात अंश में हम ए बी इसमें जोड़ दें और ए बी घटा दें, तो अंश का मान तो उतना ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हमारा कोई फार्मूला बन सकता है जिससे हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। और हर में यहाँ पर एक ए बी घटा दिया जाए और एक ए बी प्लस कर दिया जाए तो मान तो उतना ही रहेगा, लेकिन फार्मूला बन जाएगा जिससे हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर तो अंश में तो कर दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ पर ए बी था तो उसने 2ab किया, मतलब एक ए बी प्लस में बढ़ा दिया, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसने माइनस ए बी ये कर दिया। और हर में यहाँ पर कर दिया उसने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जबकि हर में पहले था माइनस ए बी, नेगेटिव के एक ए बी था, अब उसने नेगेटिव को 2ab कर दिए तो उसको बैलेंस करने के लिए उसने यहाँ पर एक ab पॉजिटिव का कर दिया, संख्या उसका मान उतना ही रहा, लेकिन उसके कुछ ऐसा रूप हो गया जिससे प्रश्न में हम फार्मूले वगैरह बना सकते हैं और प्रश्न हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो उसने अंश में तो लिख दिया ये हमारा ये राशि जो है इतनी, तीन पद जो है प्रारंभ के ये तो हमारे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, यहाँ पर हमने ये मान लगा दिया, और माइनस ए बी ओके ये छोड़ दिया। और हर में ये तीन पद जो हैं वे a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे, प्लस ये आ जाएगा ए बी आ जाएगा और ये आ गया। अब उसके सामने प्रॉब्लम ये है कि किसी प्रकार से a प्लस बी का मान मालूम पड़ जाए, a b का मान मालूम पड़ जाए और a माइनस बी का मान मालूम पड़ जाए, तो हम इसमें इनके मान लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। एक ऐसा है कि किसी छात्र ने क्या किया कि तुरंत ए का मान यहाँ पर लगा दिया, ए का मान यहाँ लगा दिया, बी का मान यहाँ लगा दिया, और इसी प्रकार से हर में लगा दिया, ए का मान यहाँ लगा दिया, ए का मान यहाँ लगाया, बी का मान यहाँ लगाया और बी का मान यहाँ लगाया और उसको कैलकुलेट करा, तो उससे भी प्रश्न हल हो जाएगा। लेकिन ये विचार करना पड़ता है कि हमारे लिए कौन सा मेथड अपनाएं, कौन सा तरीका अपनाएं, किस विधि से करें कि प्रश्न हमारा सुगमता से हल हो जाए। अब एक छात्र के मस्तिष्क में ये बात आई कि हम ऐसा करते हैं कि अंश में तो हम ए बी ए माइनस बी से गुणा कर देते हैं और इसको बैलेंस करने के लिए हर में ए माइनस बी से गुणा कर देते हैं और फिर हर में ए प्लस बी से गुणा कर देते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए अंश में a प्लस बी से गुणा कर देते हैं। तो ये अंश में हमें तीन फैक्टर मिले, एक ये, एक ये, एक ये, ये तो ओरिजिनल फैक्टर था हमारा, इससे हमने मल्टीप्लाई किया है, इससे मल्टीप्लाई किया है, और ये हमारा ओरिजिनल फैक्टर था अंश में हर में, और इससे हमने मल्टीप्लाई किया था, इससे मल्टीप्लाई किया था, ये जो मल्टीप्लाई किए थे ये फार्मूले बनाने के लिए किए थे, ठीक है ना। तो अब ये दो फैक्टर जो हैं
इन दोनों फैक्टरों की वैल्यू बराबर होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस दो फैक्टरों के स्थान पर तो हमने ये लिख दिया और ए प्लस बी हमारा ये आ गया, और इसमें ये दो फैक्टर हर में जो है इनकी वैल्यू हो जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये हमारा यहाँ पर ये आ गया। तो अब इसमें हम अगर वैल्यू लगाएंगे तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, फिर इसमें हम आगे करेंगे। तो इसका कहने का मतलब यह है कि हम किसी प्रकार से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब आपको जो प्रोसीजर आता है, जो आपके मस्तिष्क में उस समय आएगा, उससे आप करेंगे। अब आपको ये देखना है कि सरल कौन सा है, ठीक। तो अब हमने क्या किया कि हमने ए का मान दिया है हमारे लिए ये अंडर रूट पाँच प्लस एक बटे अंडर रूट पाँच माइनस एक, इसका हमने हर का परमेकरण करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो हर का परमेकरण करने के लिए हमने हर में तो गुणा करी अंडर रूट पाँच प्लस एक से और अंश में गुणा करी अंडर रूट पाँच प्लस एक से। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम सिंप्लीफाई करके आपको एक एक डाल नहीं बतला रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट पाँच प्लस एक का होल वर्ग, और इसको जब हम प्रसार करेंगे तो अंश में तो प्राप्त हो जाएगा पाँच प्लस एक प्लस दो अंडर रूट पाँच, और हर में हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के फार्मूले से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हर में प्राप्त हो जाएंगे चार। अब हमारे लिए अंश में कितने प्राप्त होंगे, अंश में प्राप्त होंगे पाँच, और जब इसका प्रसार करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब पाँच और एक छः, छः प्लस दो अंडर रूट पाँच, तो अंश में प्राप्त हो जाएंगे, हर में प्राप्त हो जाएंगे चार। अब इसमें से हम दो कॉमन ले लेते हैं अंश में से, तो हुआ तीन प्लस अंडर रूट पाँच बटे चार, इसको काट दिया तो इस तरह से प्राप्त हो गया हमें एक ही वैल्यू जो हमारे लिए दी गई थी, ये वैल्यू इक्विवेलेंट है, बराबर है तीन प्लस अंडर रूट पाँच बटे दो के। क्लियर। अब आपका मन नहीं है कि हम ऐसे करें, आप तुरंत ए प्लस बी को जोड़ना चालू कर देते हैं, उससे भी हो जाएगा। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि आपको कौन से नियम आते हैं और उस समय आपके मस्तिष्क में कौन तरह का विचार आया कि हम प्रश्न को इस प्रकार से हल करें। मैं आपको समझाऊंगा। और अब ये बी का मान दिया है आपको, तो इसमें जब हम हर का परमेकरण करेंगे तो बिल्कुल इसी प्रकार से सिमेट्री से आप मस्तिष्क में हिसाब लगा दीजिए। तो यहां पर जो है आपका आ जाएगा तीन माइनस अंडर रूट पांच बटे दो। इस प्रकार से आपकी ए की वैल्यू तो ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई, परिवर्तित रूप हो गया आपका। अब ए प्लस बी का मान निकालेंगे तो आप ये राशि लिखेंगे और ये राशि लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इसका फल प्राप्त हो जाएगा तीन के बराबर। क्लियर। अब आप ए माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए की ये वाली वैल्यू लगाएंगे, बी की ये वाली वैल्यू लगाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये फल प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट पाँच के बराबर। क्लियर। अब आप ए इंटू बी का मान निकालेंगे, क्योंकि ये मेथड सरल पड़ेगा इसलिए बतला रहा हूँ मैं, इसके हिसाब से नहीं बतला रहा हूँ। अब हम a इंटू बी का मान निकालेंगे तो a इंटू बी के मान निकालने के दो मेथड हो गए। एक तो आप a की ये वाली वैल्यू लगाइए और b की ये वाली वैल्यू लगा के और इनका मल्टीप्लाई करके निकालिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये a और b राशि के मान जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, और जब दो व्युत्क्रम राशियां होती हैं एक दूसरे की, उनको मल्टीप्लाई करते तो एक आ जाता है। तो हम इसमें ये वाले मान नहीं लगाएंगे, ये वाले मान लगाने में थोड़ी असुविधा होगी, तो इसलिए हमने ए और बी के जो ओरिजिनल मान दिए हुए थे वही मान लगा दिए यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ए का मान हमने ये लगाया, बी का ये लगाया और ये एक आ गया। इस प्रकार से हमारे लिए ए प्लस बी का मान प्राप्त हो गया, ए माइनस बी का मान प्राप्त हो गया और ए बी का मान प्राप्त हो गया। अब ये मान हम यहाँ पर स्थापित कर देंगे, ए प्लस बी की जगह लगाएंगे तीन तो अंश में प्राप्त होगा तीन का स्क्वायर, और ए बी की जगह लगाएंगे माइनस एक तो अंश में प्राप्त होगा तीन की घातांक दो माइनस एक, और हर में ए माइनस बी का मान लगाएंगे और ए बी का मान लगाएंगे तो ये प्राप्त होगा अंडर रूट पाँच की घातांक दो प्लस एक। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप जानते हैं सब, तो ये प्राप्त हो जाएगा अंश में नौ माइनस एक, हर में प्राप्त होगा पाँच प्लस एक, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद हो जाएगा आठ बटे छः, और दो से ये अंश और हर को डिवाइड कर सकते हैं तो प्राप्त हो गया चार बटे तीन। हम देखते हैं हमारा बी विकल्प में जो है चार बटे तीन आ रहा है, दिया है, तो लिख देंगे हम बी विकल्प सत्य है। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए का मान निकाला
तो ए के मान में मैंने ए का पहले पर हर का परिमेय कर लिया और बी में भी मैंने हर का परिमेय कर लिया। आपका मन ऐसे करने का नहीं है, मान लीजिए आपके मस्तिष्क में नहीं आई ये बात कि ऐसे करें, तो ये तो आपके उस समय आपके मस्तिष्क में क्या आएगा, आप किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे, आप उस तरह से विचार कर सकते हैं। और आप अगर प्रश्नों को रटेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब मान लीजिए आप ए प्लस बी का मान, ये प्रश्न तो आपका पूरा हो गया, मैं और बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप मान लीजिए ए प्लस बी का मान ऐसे निकालना चाहते हैं, ए का मान आपने ये लगा दिया, पांच प्लस एक अंडर रूट पांच प्लस एक बटे अंडर रूट पांच माइनस एक प्लस अंडर रूट पांच माइनस एक बटे अंडर रूट पांच प्लस एक। अब इसका आप एलसीएम देंगे तो प्राप्त होगा अंडर रूट पांच माइनस एक इंटू अंडर रूट पांच प्लस एक, और यहां प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट पांच प्लस एक का होल वर्ग प्लस अंडर रूट पांच माइनस एक का होल वर्ग। फिर से सिंप्लीफाई कर लीजिए तब भी आपको ए प्लस बी का मान मालूम पड़ जाएगा। फिर आप ए माइनस बी का मान ज्ञात करने के लिए ये मेथड लगा दीजिए, अंडर रूट पांच प्लस एक बटे अंडर रूट पांच माइनस एक माइनस अंडर रूट पांच माइनस एक बटे अंडर रूट पांच प्लस एक, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये नहीं है कि जैसे मैंने बता रहा हूं आप एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ये तो आपको कितनी जानकारी है, आप किस प्रकार से प्रश्न को करते हैं, आप रटते हैं या समझते हैं, ये आपके अपने ऊपर है आपके। अब मान लीजिए आप इसी को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए आप अगर मान लीजिए आपके मस्तिष्क में यही प्रोसीजर आया तो आप क्या करेंगे, अब आपको यहां पर जब ए की वैल्यू लगाएंगे पावर तीन निकालेंगे तो बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने क्या करेंगे आप इसके लिए, आप ए इंटू बी का मान तो एक निकाल चुके थे, क्लियर। अब आप जानते हैं ए की पावर तीन माइनस बी की पावर तीन बराबर होता है ए प्लस बी की पावर तीन माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। आप इसमें वैल्यू लगा दीजिए, इससे आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप इसमें वैल्यू लगा दीजिए, ए की पावर तीन प्लस बी की पावर तीन बराबर होता है ए प्लस बी की पावर तीन, ये प्लस आएगा यहाँ पर, गलत लगा, प्लस आएगा यहाँ पर, ये माइनस आएगा यहाँ माइनस आएगा, माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। तो आप इसमें वैल्यू लगा देंगे तब मान निकल आएगा, तो आप इसके इस तरह से कर लेंगे। अब आपका मान लीजिए मन ऐसा हुआ कि आप इसको ऐसे करें कि आप यहाँ पर ये ना लगा के यही लगा दें, ए माइनस बी की घातांक तीन और ये आ जाएगा प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी बटे ए प्लस बी की पावर तीन माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। आप यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा दी, यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा दी और ये आपने वैसा का वैसा लिखा रहने दिया। तो अब यहां पर वैल्यू लगाएंगे आप, तो कहने का मतलब यह है कि कौन से मेथड से आप प्रश्नों को हल करेंगे ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपनी बुद्धि को किस प्रकार से कितना तेज कर लिया है। आप यदि प्रश्नों को केवल रटेंगे तब काम नहीं चलेगा। वैसे जो प्रोसीजर मैंने बताया था ये मेथड मेरे विचार से सरल है, इसलिए मैंने आपको यही बतलाया था। और इसको कितने प्रकार से कर सकते हैं वह बात भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपके लिए, संभवतः आपकी समझ में आ गया होगा। आप विचार कीजिए, आपको जो मेथड सरल लगे उससे आप कीजिए, ठीक है ना। केवल आपको जो बताई जाती हैं इतनी बातें, ये इसलिए बताई जाती हैं जिससे कि आपका मस्तिष्क जो है विचार करने लगे, आप सोचने लगे मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स की तरह से। रटे नहीं, मैथमेटिक्स का कोई भी विषय नहीं रटा जाता है, रटेगा कोई कहाँ तक, सब अभ्यास से और चिंतन मनन से आते हैं। आज की बात पूरी होती है, नमस्कार, धन्यवाद।